बात की जरूरत भी है क्योंकि इंफॉर्मल एजुकेशन की राह बहुत ही ज्यादा कुशादा बहुत ही ज्यादा वसी है। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इनका दायरा बहुत ही महदूद है। इनफॉर्मल एजुकेशन ने इन्हीं दायरे को एक चार दीवारी के अंदर तक कैद करने की उसमें कोशिश की जा रही है। एजुकेशन को चार दीवारी के अंदर ही मुकैद किया है लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन की राह बहुत ही वसी और बहुत ही कुशादा है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि दुनिया के हर तरह के लोग हर किस्म के लोग इल्म जैसे जेवर से मुलव्वस होकर इल्म जैसे जेवर से मुजय्यन होकर इल्म की खुशबू को पूरी दुनिया में फैलाए। अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली दरसगाह बच्चे की माँ की गोद को माना जाता है और वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन है। अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन मुकम्मल तौर पर इनफॉर्मल एजुकेशन पर बेस्ड होता है। आप इनफॉर्मल एजुकेशन के बगैर फॉर्मल एजुकेशन में गहराई गिराई उसमें बुरियत हासिल ही नहीं कर सकते। और इसी तरीके से किसी भी हाई पोस्ट बड़े अहदे पर मिसाल के तौर पर यूपीएससी हो आईपीएस हो सीजी हो नीट हो इन जैसे बड़े पोस्ट जहाँ तक रिसाई हासिल करने के लिए आपको इनफॉर्मल एजुकेशन का जरिया लेना पड़ेगा। बगैर इनफॉर्मल के सहारे यहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते। और एक पॉइंट इनफॉर्मल एजुकेशन में उनमें एक साथ कई सारे सब्जेक्ट कई सारे फ्रूट की शमूलियत होती है और उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट बुरा इफेक्ट ये पड़ता है कि ना कोई स्टूडेंट मुकम्मल और सारे फ्रूट पर दस्तरस हासिल कर पाते हैं बल्कि एक पर भी नहीं फिर तरह बिल्कुल पौतुलकुल के दायरे में शामिल होते हैं। फिर वही होता है ना खुदा ही मिला ना वही सारे सलम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और हमारे भाई अभी बात कर रहे थे सर्टिफिकेट की क्वालिफिकेशन की तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थॉमस एडिसन जिन्होंने इस बॉल का इजाद किया जिसकी रोशनी से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट हासिल किया था किन टीचर से उन्होंने पढ़ी थी और आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानते वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं पूछना चाहूंगा इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट हासिल किया। और आगे बिल गेट्स की बात करते हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का इजाद किया उन्होंने ग्रेजुएशन से पहले अपनी पढ़ाई को खत्म करके उन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन को हासिल किया और माइक्रोसॉफ्ट का इजाद किया। तो फॉर्मल एजुकेशन का दायरा बहुत ही मुकैद और कैदखाने की तरह है जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन का दायरा बहुत ही वसी बहुत ही ज्यादा कुशादा है। आप फैसला खुद कर सकते हैं कि कैदी कैदखाने में रह के कितना आजाद हो सकता है और एक आजाद जिनकी उड़ान बनने के लिए जिनकी परवाज करने के लिए पूरी फिजा होती है पूरी दुनिया होती है उनके लिए उनका रास्ता और वो कितना आजाद हो सकते हैं। एक आदमी जो एक ही चश्मे से पीते हो वो कितना सैराबी हासिल हो सकता है और एक आदमी जिनके लिए पूरे चश्मे ही चश्मे हो उनके सैराबी का क्या आराम हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट Amen.